कहाँ रही हूँ मैं? नहीं नहीं है, नहीं आके देख ले। कब देख लो बाहर नीम खा रहे हैं? क्या बाहर नीम खा रहे हैं? नहीं मतलब तमीम की टैबलेट? नीम क्या होता है? मैं क्या जानू क्या होता है, आप ही ने बोला। मरना वरना तो बताओ, टाइम से मरो ना यार, ये क्या लटका रहे हो केस को? नहीं मरना तो बताओ, सामने वाला पागल नहीं है? हॉस्पिटल कहाँ पहुंच गए थे? हॉस्पिटल कहाँ चले गए थे? अच्छा, ऐसे ही मेरा मन था इसमें। तो आगे का क्या है भाई? आपका मन के हिसाब से बहुत हो गया। अब आगे जो तुम्हारा मन। वो अगर कर लिए तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शमशान घाट में मिलेंगे। कर दिया ना बेटा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। अभी तो आपकी बातों पर अटके हुए हैं, परसों से नर्सों हो गए, निपटे तो नहीं यार आप? मतलब ये मानते हैं ना, जिसको जिस दिन जाना होता है उसी दिन जाएगा, मानते हैं ना? नहीं मानते? अरे हिंदी इंग्लिश में कुछ बोलेंगे? अरे वो जो ड्रिप लगा के भेज देते, ऐसे हम बहुत ड्रिप लगाए हैं यार अपनी जिंदगी में, हुआ कुछ नहीं हमको भी। जिंदा खड़े हैं, आपको भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा था ना, भगवान को नहीं है जरूरत आपकी, मत कोशिश करना। तो मरना मरना तो बताओ फिर यार, इंतजार करें आपके मरने का। ऐसा कुछ है सिनेरियो? है कोई सिनेरियो? तो हॉस्पिटल में बॉर्डर का पैसा है आपके पास, लोगों को दिया पैसा नहीं है आपके पास, है ना? लूज मोशन हुए कि उल्टी हुई, क्या हुई? बोलिए। रो कह रहा है, क्या? रो कह रहा है। नहीं मेरा कर्म कांड ये ऐसे किए कि रोना ही है अब आपको? हरकत है आपकी बड़ी अच्छी है ना, 36 साल होके जो चुतिया पे पेल रहे हैं, तब क्या ही बोल दें यार उनको। तो फिर शादी को क्या कर रहे हैं? हाँ ना में जवाब देंगे? क्या है फिर शादी को कर रहे हैं? बोलो हाँ हिंदी में। आपके मुंह में दही कहे जमी जब एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शादी कर रहे हैं? बोल रहे हैं आप कि नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे? चलो शादी कर रहे हैं? पता नहीं क्यों अभी तक तो उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे नहीं करूंगा।
जिंदा नहीं आऊंगा, पता नहीं मैं आ गए। बोला था ना मैंने आपको, आपकी बातों में मुझे विश्वास करता ही नहीं है। करता ही नहीं मतलब करता ही नहीं। आप जैसों को बहुत देखा है मैंने, करना वरना कुछ नहीं। कोई नौटंकी बताना, सामने वाला का टाइम वेस्ट करना यार। नहीं मरना मरना तो बोल देते यार, अभी तक अपना काम खत्म कर लेती मैं। इमोशनल ब्लैकमेल करने का क्या ले लिया आप, मिला आपको काम खत्म करो अपना, क्यों रोकी हो? खत्म वही तो कर रहे ना, काम खत्म ही करूं फिर मैं अपना। पंचायत नहीं बताना, अभी मैं आ जाऊंगी रीवा में, मिल जाओगे देख लो आप। आके फिर देखूंगी। नहीं सबसे मिलके जाऊंगी, एक बार गाड़ी निकल गई ना बाहर जनाब, तो फिर जिस रास्ते हम चल रहे हैं उस रास्ते में बर्बाद सब होंगे। मैं रीवा में नहीं हूँ। आप नहीं है तो क्या हुआ, बाकी लोग तो हैं जिनसे काम है। मुझे पूरा सब घर है ना, तैयारी वैयारी चल रही है ना, जोर शोर से चल रही है ना। कर लिया अपने हरामी पंती मेरे साथ फिर एक बार, हो गई आपकी संतुष्ट दिल दिमाग को हुई। बोलेंगे हाँ ना ना, हाँ कुछ बोलेंगे, साइलेंट कर रहे हैं। बोल दीजिए जो आपके दिमाग पे चल रहा है। नौकरी वोकरी कर लिए? नौकरी वोकरी चल रही है? नौकरी चल रही है? फिक्स हो तो बोलूं, फिक्स हो जाए तो बोलूं। अच्छा अभी नौकरी तक के लिए जा रहे हैं, मतलब मरना वरने का प्लान कैंसिल अभी इनका। फालतू टाइम वेस्ट पहले किया, सब चलता रहता है। फालतू टाइम वेस्ट किया 2 दिन का। आपको हम पागल दिख रहे हैं, दिख तो नहीं रहे होंगे यार, तो बड़े चूतिया भी नहीं। नहीं है ना, बोलने का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ओहो मन नहीं कर रहा नहीं होगा है, नहीं बात करने का, बात होने लगी क्या उससे? उसकी आवाज ज्यादा अच्छी लग रही होगी अब, केयरिंग होगी वो, है ना, होने लगी बात। हाँ या ना, होने लगी। कैसी लगी बात करके आपको? हाँ बात करके कैसी लगी? मुझे नहीं पता कैसी लगी। नहीं बात तो किया है ना, किया नहीं पता, मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ कि कौन कैसा है। बात किए हैं कि नहीं, हाँ या ना? कॉल पे नहीं, मैसेज पे। किसने किया था पहले मैसेज? आपकी वो नहीं, उसी ने। तो आपने उसको जवाब, हाँ हेलो लव यू टू यू मिस यू हो गया? नहीं हुआ। कब हो गई? लड़की तो मजबूर थी यार आपसे शादी करने के लिए, मैसेज भी कर दी। आपने तो कहा था किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई खुश नहीं हो सकता शादी में, उसने मैसेज कर दिया आपको। किया तो क्या करेंगे। क्या लिखा भेजा? हाय हेलो हाउ आर यू?
नाम क्या है लड़की? घर में तो उसको बबली कहते हैं, बहुत पसंद। क्या नाम है? और जो भाई सब देखने चले गए, एंगेजमेंट कर ले, नाम नहीं पता। हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो मैं काहे नाम पता करूं? क्या नाम उसका है? हो गया, जो घर में है वो, तो हम क्या करें? अच्छा लग रहा होगा ना ये सब करके आपको? खुशी हो रही होगी, कुछ दिन बिल्कुल में नहीं मेरी खुशी हो शादी है। रही। तो फिर मत करो ना शादी, अभी भी टाइम है, बैकआउट कर लो। नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा? हाँ कि ना? नहीं किया जा रहा? पता है मुझे किसी को दर्द देना पसंद नहीं, बट आप जैसा इंसान इतना घटिया है ना कि उसको कोई क्या ही दर्द दो। लोग ऊपर थूकते हैं तो उनके मुंह में ही आता, वैसे हाल मेरे साथ हो रहा है कि अगर आप में थूकू भी ना तो वेस्ट हो जाएगा यार। आप बहुतों की लिस्ट में बहुत अच्छे होंगे, मेरी लिस्ट में बिल्कुल नहीं। आपको बर्बाद होते देखना ये मुझे अच्छा देगा, मुझे सुकून देता है। अब आप हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं वो मुझे अब सुकून देता है, मर रहे हो बहुत सुकून देता है। ना नौकरी लगे आपकी, ऐसे भिखारी हो ऐसी स्थिति हो जब, वही मुझे बहुत सुकून देता। पर नहीं होगा ना, लेगेसी बहुत है आपकी। अब तो और लेगेसी हो गई भाई साहब, 20 लाख की जमीन है जिसके नाम, तो भाई करोड़ों में खेलेंगे कुछ दिन बाद। पर बात तो हो गई, मैं करूं या ना करूं, आज मैं पीछे रह जाऊं, पर मुझे पता है अगर कोई जिस ऊपर वाले पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना भरोसा करते हैं आप, पूरी दुनिया, अगर वो होगा ना तो देखूंगी मैं भी। हर दिन सिर्फ एक ही दुआ रहेगी, मैं बात करूं आपसे, नहीं करूं, रहूं आपके कांटेक्ट में, नहीं रहूं, तो जब तक आपको बर्बाद होते नहीं देखूंगी ना मैं, तब तक शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल घुट घुट के जिए, ऐसे जिंदगी नरकों वाली जिए, भगवान करे वो हो, ताकि मुझे सुकून मिले। आज मैं चाहूंगी भी ना कुछ करने का, या कर भी दूंगी कभी, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, तभी वो चीज नहीं मिलेगी जो एक्चुअली मुझे चाहिए। मैं जिसे बदनाम करना चाहती हूँ वो थोड़ी बदनाम होगा, पूरा घर बदनाम हो जाएगा। उनकी क्या ही गलती है यार बेचारों की, उन्हें क्या पता उनका लड़का इतना वाहियात है, मम्मी पापा के नाम पे धंधा खोल के बैठा है, क्या पता उन्हें। तुम बेटा यही डिजर्व करते हो, जिल्लत, गाली, मौत। और मैं रब से हर दिन दुआ करूंगी, मैं भले आज पीछे हूं ना, उसका एक बहुत कारण पता है क्या है? अगर कुछ नहीं कर रहे उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरा जो दिल है ना, उस दिल के किसी कॉर्नर पे ये मुझे पता है कि मैं इस आदमी से बहुत प्यार करती थी। गाना पता है तुम्हारे बड़ा? कोई नहीं, सिर्फ बताऊं तो मर जाए ये यार, सच है। अगर बहुत प्यार किया ना मेरे को और बहुत चाहता है कि मैं खुश रहूं ना, तो फिर मर जा, क्योंकि तुझे जिंदा देखूंगी मैं खुश नहीं रहूंगी यार। तुझे किसी और के साथ देखूंगी तो खुश नहीं रहूंगी मैं, वो खुशी और के साथ रहना तेरी मजबूरी हो सकती है या तेरी फैमिली हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, पर मेरी जिंदगी खराब हुई है यार। मैं वही हूं आज भी जहां थी, मैं कहीं नहीं गई। फैमिली तुम्हारी अगर है तो फैमिली बहुतों की होती है, इज्जत अगर आपकी भी तो इज्जत मेरी भी होगी, अगर गई जाएगी तो। साथ देने वालों के लिए बहाने नहीं होते, वो दे देते, और जिनको नहीं देना होता ना
उनके पास हमेशा से बहाने होते, फ्रॉम फर्स्ट डे यू हैव दैट एक्सक्यूज जामेट। तो वो मेरे साथ के भजिया तल रहे थे यहाँ बैठ के। जब तेको पहले दिन से पता था कि कुछ भी नहीं होने वाला है तो फिर क्या कर रहा था भाई मेरे साथ? मेरी जिंदगी के एल क्यों लगा दिए? मैंने क्या बर्बाद किया था आपका? कुछ लेके भागी तो क्या डामा मार रहा था? देखे मैं डर रहा था, मैं डर जिसके साथ डर लगते ना उसके तो रहा नहीं जाता, मुझसे पूछ, बिल्कुल रहा नहीं जाता। और तुम 24 अक्टूबर तक वहां से रोमांस करोगे, फिर 25 तारीख को निकल जाओगे, 26 को पंचायत खेलोगे, फिर 1 महीने के अंदर एंगेजमेंट कर लोगे, फिर हमको मैसेज करोगे, डर लगता था हमको। अब पागल समझाए क्या? सोच क्या सोच, 10 साल छोटे दुनिया नहीं जानते। तुम्हें तो जिंदा देख के ना शायद मैं हर दिन मरती रहूंगी यार। बहुत चाहते ना आप मैं सेटल रहूं, खुश रहूं, ये रहूं, यही आप हर दिन माने थे ना मुझे, तो फिर वही दो यार। मौत नहीं चाहिए मुझे मेरी। फिर 25 तारीख को अगर आप शादी करेंगे तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, यकीन नहीं हो रहा तो यकीन दिला दूंगी। हर दिन सोचती हूँ एक फोन करूं आपकी माँ को तो बता दूं, फिर लगता है उस माँ की क्या ही गलती है जब उसकी औलाद ऐसे निकल गई थी। तो अगर मेरी औलाद ऐसे निकलेगी मैं काट डालूंगी इसको, जिंदा गाड़ दूंगी। आज बोल रही हूँ, कल अगर ऐसे हुआ तो मैं कर दूंगी। बात भी करने लगे, ये हमको ज्ञान बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे फीलिंग किसी के लिए निकली गई। भाई हमको चूतिया समझो, कल सो सच जाओगे में ही उसके तो साथ, चूतिया ना। वही तो कल सो जाओगे उसके साथ, फिर कह दोगे कि नहीं हम तो नॉर्मल थे, अब बगल में लेटी है तो करना तो पड़ेगा ना यार। फीलिंग नहीं आ रही एंगेजमेंट करके बैठ गया, हमको क्या बता रहे हो? हम तो नहीं चले गए किसी से एंगेजमेंट करने, 1000 लड़के हमारे पास पड़े हुए हैं, दो और आ गए हैं, कमी थोड़ी है लड़कों की यार। अच्छे बुरा कैसे भी हो आ रहे हैं। हम तो नहीं उठ गए ना एंगेजमेंट करके आ गए? हम तो नहीं पहन के आ गए अंगूठी मंगलसूत्र किसी और का? हमारे साथ क्या चुतिया पे पल रहे थे? अपने मैसेजेस चेक कर लेना जो तुम लिख लिख के हमको भेजा करते थे, उस पर कहीं ये मेंशन नहीं किया था आपने लव यू फॉर एवर आमीन ये वो क्या पंचायत? और कुछ दिन बाद ये जनाब किसी और से शादी भी कर रहे हैं और हमें यहाँ बैठ कर माला रुद्राक्ष के लेके जपें, पर इनकी भलाई का सोचे वो तो नहीं हो पाएगा यार। वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अपना टाइम इन्वेस्ट किया मैंने जिस जगह ना, उस जगह अगर पैसा भी मेरा लौट किया जाएगा ना तो वक्त लौट के नहीं आएगा। जितने टाइम मैं आपके साथ ऐसी ऐसी कर रही थी ना उतने टाइम मैं या तो मैं मेरा करियर बना लेती या मैं अच्छी जगह सेटल हो जाती अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो। कुछ नहीं तो कुछ तो होता ही मेरे साथ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आप जैसे लोग थे ना मेरी जिंदगी में मुझे खाने के लिए। मिल गया खा के आपको बहुत सुकून मिला तो होगा सुकून, बिना इतना वक्त मुझे तोड़ने में तो आप नहीं लगाएंगे, 7 साल किसी को बर्बाद करने में आप नहीं लगाएंगे। और भी किसी और लड़कियों के बदले जो बचे हो तो ले लेना मुझसे, मैं बैठी हूँ अभी भी जिंदा, क्योंकि यही तो किया आपने मेरे साथ, रिवेंज ही तो लिया था, किस चीज का ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मोहब्बत इतनी वाहियात तो नहीं देखी मैंने आज तक। लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, बहुतों के साथ देखा पैचअप होता है, ये नहीं होता जो मेरे साथ हुआ है। लोग लिव इन में भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप तो छाती चौड़ा करके मेरे ही घर में मेरे साथ ही रहते थे। इनको इंसिस्ट किया जाता था रुक जाओ, अभी जैसे हाथ में हाथ कड़ी बांध के इनके साथ रेप कर रहे थे कि रुक जा बेटा, अबे चले जा मुंह में थूक के, तेरे बर्थडे वाले दिन आई तो थी ना मैं,
क्या कहा था, ओवर कॉन्फिडेंस से फलाना है फलाना, निकल जाओ। तो कहीं तेरे घर गई मैं, तेरे को नॉक करके बोलने इंसिस्ट करने, निकल बाहर। अरे पैसा वेस्ट हुआ इतनी दूर आने में, बोला था क्या? नहीं बोला था ना। तो जिसका मन होता है ना जना, वही रुकता है। इंसिस्ट तो दुनिया करती है, ये कर लो वो कर लो, नहीं करता कोई। सलाम अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, और ये भी पता है कि कुछ दिन बाद इनकी शादी है। और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम तो बेटा शादी करोगे, ये मरना मुरना मुझे दो वक्त दे दो, जिस दिन मरूंगा उस दिन लाइफ करूंगा, ये सब तो एक बहाना था नामिका को डिस्ट्रैक्ट करने का। और नामिका घंटा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, वो तो अपना काम कर रही थी जिस काम के लिए वो गई थी। तो मैं मरने की फिक्र नहीं थी मुझे, एक बार भी मैंने ये रिएक्ट नहीं किया कि हाँ पता, क्या पता मर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था नहीं मरने वाले हो। मरने वाले बोलते नहीं किसी को, मर जाते हैं, और जो बोल दिया वो कहीं मरता ही नहीं। कुछ तो सुकून मिला होगा, पर खैर इस चीज को यही खत्म करके मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि औकात तो बहुत है आपके घर वालों के जाके बात करने की, पूरे खानदान को रोड में लाके उनकी बेइज्जती करने की। और एक लड़की जब बाहर निकल के आएगी ना, कितने लोग उसका साथ देंगे कितने नहीं देंगे उसको नहीं पता। मन तो है कि एक केस ठोकूं, जिंदगी भर आपको दौड़ाती रहूं, बहुत मन है से बताऊं तो। जिस दिन सनक जाऊंगी ना उस दिन कर दूंगी, जब तक शांत हूँ तब तक एंजॉय कर लो आप। चाची जी कहती है तब्बू ऐसा कुछ मत करो, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, कल को कोई अनहोनी होगी तुम अपने आप को ब्लेम करोगे। मैं कह ये बात भी सही है, पर उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा, कल को कोई अनहोनी हो गई तो उसने सोचा क्या एक बार? और आप उसके पक्ष में मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? बोलते उसके पक्ष में मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ही पक्ष में बोल रही हूँ। जैसे वाहियात इंसान से मुंह लग के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं कहा आपको पता है वो वाहियात है? यहाँ सब साला मेरी फैमिली जो आपको इंसिस्ट कर रही थी ना रुकने के लिए, वो भी आपकी फैमिली का ही सोच रही है, देख रहे हो? यहाँ भी मैं अकेली खड़ी हो गई, और आपने तो पता नहीं क्या ही क्या कर डाला। मुझे आपकी बहन बहनोई से, आप उत्तम से कोई मतलब नहीं है, पर एक है उस घर में जिससे हमें, मुझे ना कभी मिली हूं मैं, ना मैं जानती हूँ, ना देखा है ना सुना है। पर अगर हो गई कुछ अनहोनी तो शायद मैं कभी कुछ को माफ नहीं कर पाऊंगी। आपका क्या है? आपने तो ये भी लिख देते हैं ना, या मेरी माँ मरेगी, हम तो ये लिख भी नहीं पाते मरेगी शब्द, जाएगी लिख सकते थे, उसके बाद मरता तो अच्छा होता। तो भाई आपके लिए तो किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, करते होंगे आप अपनी माँ से बहुत प्यार, मानती हूँ, पर ऐसा भी प्यार क्या? मुझे तो कभी नहीं रियलाइज हुआ, आप तो अगर किसी से प्यार करते हैं ना इस दुनिया, वो सिर्फ खुद से करते हैं जनाब, सिर्फ खुद से, खुद के सेटिस्फेक्शन, खुद के सुकून से प्यार करते हैं आप, और आप किसी से कोई प्यार व्यार नहीं है। जिनसे आप भागते हैं उनसे आप क्या ही मोहब्बत कर लेंगे? प्यार करते हैं अपने घर से, प्यार करते हैं लोगों से, इनको प्यार सिर्फ खुद से है, खुद खुश रहना चाहिए, खुद को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खुद मैं किसी झमड़े में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं हर चीज फैमिली के माथे फोड़ देता हूँ। तो हम क्या करें अगर आप फैमिली के माथे फोड़ते हैं तो? आज जो आप इतने शांत है ना, वो ना होते आप, और आज जो मैं इतना बोल रही हूँ वो मैं नहीं बोलती। जिसको हल्की सी चोट लग जाती थी तो मुझे तकलीफ होती थी, आज वो अगर तकलीफ में भी है ना तो मुझे तकलीफ नहीं होती। शायद मेरे अंदर कुछ मर चुका है मिस्टर जन्मे जैसे,
और ऐसा मरा है ना कि मुझे किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। कोई जिंदा रहे ना रहे, किसी की फैमिली में कोई मरे, कोई कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सब बहुत समझा रहे हैं 4-5 दिन से मुझे, मत कर तब्बू, शांत हो जा, जाने दे, मर जाने दे उसे, तैसी में जाने दे, क्या कर लेगी अगर तू कर भी लेगी तो, चल तू कर भी ली, चार्ज कर लिया, क्या कर लेगी तू? अरे लड़का है वो, उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, तू क्या कर लेगी? तू सिर्फ पागलों के जैसे कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी माँ, अरे कुछ नहीं होगा उसकी माँ बहन दोनों ही को, देख लेना तू, जा करके देख ले एक बार केस, और अगर कुछ हो गया ना तो हम यही बैठा हमारे मुंह में आके बोलना कि हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने कर लूंगी, ये बोल भी दूंगी उनको कि भैया पिटीशन जारी करना पड़ जाए इस आदमी के लिए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां मन करेगा वहां जाऊंगी, पर इस चीज को तो खत्म करूंगी। जब लॉ इतने बन चुके तो एक लॉ और भी बनना चाहिए। पर शांत हो जाती सबकी शक्ल देख के, सबको बारे वो चला जाएगा जहां उसको जाना होगा। तुम कुछ नहीं कर लोगी, जब तुमने इतना कर दिया वो तुमको नहीं समझा तब तुम क्या ही कर लोगी। ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि दिमाग खराब, क्या ही किस्मत मिली यार मुझे। जब तक मोहब्बत ही तब तक साथ थे, आज नफरत है तो साथ है। एक लाइन चाची जी ने बहुत अच्छी लिखी थी कि उसके लिए वो सिर्फ सेक्स था, तुम्हारे लिए वो सुकून हो सकता है, तुम्हारे लिए उसका हक हो सकता है, तुम्हारे लिए दुनिया हो सकती है, बट उसके लिए वो टाइम था। पर करता वो यही जो तुम्हारे साथ उसने किया। वो आदमी कल तक मुझे अच्छा लग रहा था या दिख रहा था स्कूल में, पर मेरी आंख भी धोखा खा सकती है। वही हुआ, और फॉर एंटायर दिस जर्नी आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें मैंने एक गलत आदमी से इंट्रोड्यूस करा दिया। हर दिन आते हैं, कभी लोगों के यही रमन बोलता है चलिए यार आपको चलना है तो चले ही लेते हैं, अब उनके घर क्या कर लेंगे वो, अगर उनको 70% लोग जानते हैं तो 70% हमको भी जानते हैं ना लोग, यार हम भी तो रीवर्किंग है, चल लीजिए फिर। सब कुछ कर दूं मैं यार, सब कुछ मैं कर दूं आपका, कुछ ना करूं तो इतना तो बोल दूं आपके घर में कि भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मैं क्या करूं, फिर देखते हैं, ज्यादा हो तो बोल दो, चैलेंज दे दो एक बार, तो मैं आप उधर भी बात कर लूं जिस लड़की से आप मैसेज में बात करने लगे। आपका क्या गया यार, क्या गया आपका? फैमिली आपकी, शादी हो रही है आपकी, थोड़ा बहुत अगर वक्त गया है तो बना लेना अपना वक्त, कर लेना एक्सेप्ट जैसे करना है, रहना जिंदगी भर खुश। और मैं भी देखूंगी कब भगवान मेरी सुनता है, हर दिन मंदिर जाऊंगी यही दिया जलाऊंगी, क्यों अगर वो बर्बाद अगर नहीं हुआ ना भगवान जी तो फिर अच्छा नहीं होगा यार, मुझे उसे ऐसा नहीं देखना है। आज तक व्रत दुआ मन्नत एक ही चीज के लिए की थी, अब एक ही चीज के लिए करूंगी। शायद ही किसी ने व्रत रखा हो किसी को बर्बाद होते हैं देखने के लिए, अब मैं वो भी करूंगी। अगर मेरे भूखे रहने से भगवान को मेरी आवाज सुनाई देगी तो मैं वो भी करूंगी मिस्टर जन्म जय सिंह बघेल, पर तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरे को हर आगे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, मैं सब चढ़ूंगी, सब मतलब सब, पैर में चोट आए, मेरा हाथ कटे, सर दुखे, सर फूटे, जो मन आएगा ना सब करूंगी। पर आपको वैसे जिंदगी में देखना चाहती हूँ, और हर दिन अगर दुआ करूंगी तो कभी ना कभी तो होगा। जब छोड़ दिया मैंने तुझे किसी और के लिए, आज से छोड़ दिया, माफ नहीं किया मैंने, सिर्फ छोड़ा है। देखो जिससे शादी करनी है, देखो जिसके साथ रहना है, तू रह, मेरा फोन मेरा मैसेज मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगती, कुत्तों
कुत्तों को ना मुझे पालना पसंद है ना मुझे देखना पसंद है। कुत्तों की आदत ही होती है यहाँ नहीं तो वहां मुंह मारना। तो मुझे ना तो आपको मैसेज करना है ना तो कॉल करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में मेरे बिना बोले आ जाना चाहिए। उसके लिए भी अगर मुझे कॉल करना पड़ गया ना तो ज्यादा हो जाएगा फिर। 25 जनवरी की शादी आपको मुबारक हो। अच्छे जाना, सच के जाना, घोड़ी पे चढ़ के जाना, कार पे जाना, एंजॉय करना। बाकी अगर ये जो कर्मा हिट बैक्स होता है ना अगर वो हुआ आपके साथ तो फिर खुशी मुझे। तुम जिंदगी जियोगे लेकिन रो रो के जियोगे, इतना गिल्ट में जियोगे मिस्टर जन्मेजय सिंह कि दुनिया तुमसे पूछ पूछ के थक जाएगी तुम्हें हुआ क्या। बहुत पैसा कमाओगे, बहुत दुनिया घूमने जाओगे, हनीमून में विदेश जाओगे, सब करोगे, पर मरोगे तो गिल्ट में मरोगे। और उम्र जो 70 गिन रहा हो ना वो उतनी पहुंच जाए तो मेरा नाम बता देना। बच्चे पैदा कर लो टाइम से, जाओ उम्र हो गई है, उनको स्कूल भेजना, उनकी शादी तक बुढ़ा जाओगे, ये सब लिख के मुझे भेजा था ना। आप बच्चों को बड़ा कर लेना यार, इतना ही बहुत है। जितना है ना तुम्हारे पास एक एक चीज जाएगी जिस दिन तुम्हारी जिंदगी से ना उस दिन मैं खुश होंगी। जिस जिसको तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी ना उसकी दुगनी तकलीफ भगवान जिस दिन आपको देगा ना उस दिन मैं खुश होंगी। अरे तो भीख मांगोगे ना भगवान से तब मैं खुश होंगी। आपको मैं दुनिया की बद्दुआएं देती हूँ आज जो किसी ने कभी दी नहीं होगी किसी को। मोहब्बत में छोड़ देना ही बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने छोड़ा आपको तो जिंदगी भर मुझे अकेला ही देखेगा, और जब भी मेरी तरफ देखेगा ना मुंडी तुम्हारी झुकी रहेगी। तुम्हारी ये सजा हो या खुशी हो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें तुम्हारी औकात बताने एक दिन मैं जरूर आऊंगी। और जिस दिन मैं आऊंगी ना उस दिन तुमसे फेस करूंगी। उस दिन करियर भी होगा मेरे पास, पैसा भी होगा मेरे पास, और तुमसे लड़ने तक की हिम्मत भी होगी मेरे पास। मैं बीवी, मैं खानदान, उसके खानदान के सामने भी तुमको घसीट के लेके जाना पड़ेगा ना वो भी करूंगी मैं, पर करूंगी मैं जरूर। तब तक के लिए जितना पैसा जोड़ते मैंने जोड़ लिया, जितना खुश होते हुए जोड़ लो, क्योंकि अनामिका तुम्हारी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मुलाकात तो हमारी होगी और ऐसी होगी ना कि दुनिया याद रखेगी, क्योंकि तुम जैसों को जब तक तुम्हारी लैंग्वेज में जवाब ना दो ना तब तक तुम लोग जानते नहीं हो ना जवाब देना किसे कहते हैं। यू डोंट डिजर्व लव इन दिस अर्थ, नेवर एवर। चलो जाओ अपने घर, रहो अपने वालों के साथ। तुम्हारे मुंह लग के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जा। और ये घटिया पन्ना जितना मेरे साथ कर लियो कर लियो, किसी और के साथ मत करना, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना? फिर 12:03 हो गए हैं, जाना है, हो गया ना? सुनाई नहीं गया होगा आपको मेरी आवाज, कान तक गई होंगी है ना? सुन लिया है? हाँ ना बोल दो यार। हाँ इसमें भी अटक रहा है क्या कुछ गले में? इसे भी कुछ अटक रहा है गले में? फिर शांत हो गए? हाँ ना अभी नहीं बोला जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा, नहीं बोला जा रहा। सुन लिया मैं।
सुन लिया पर बोला नहीं जा रहा है। सुन तो आप बहुत दिन से बहुत कुछ रहे हैं। बोला नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे बोला जाएगा, बोलने के लिए भी शब्द होने चाहिए। शब्दों की तो नेतर ही कर दी है, अब जो होंगे भी तो नहीं बोल पाएंगे ना। बोलो ना, यही सुनना है। सबको थैंक्स बोल देना एक बार मेरे घर में, इसलिए बोल देना क्योंकि उनने फिलहाल के लिए रोक दिया है। शायद दिखा दूं कॉल हिस्ट्री में कि 36 बार आपकी मम्मी को कॉल लगाने की कोशिश की मैंने, बट वो एक ही शब्द मुझे टोक देता है। उनकी क्या गलती है नामे का, क्या गलती? तू एक बार बता दे उसकी क्या गलती है और फिर कॉल लगा ले। बस उनकी ये गलती है कि वो जन्मेजय सिंह की माँ निकल गई। आपने जो अपने भाई के नाम पे मेरे जिंदगी में पर्चा फाड़ा है ना, माँ के नाम पे फाड़ा है, बहन बहनोई के नाम पे फाड़ा है, इन सबको सूद समेत वापस लौटाऊंगी मैं, आज नहीं तो कल। एक एक पन्ने को ऐसे मुंह में लाके फाड़ूंगी, और जो बेइज्जती आपने मेरी की ना वो मैं भरे समाज में आपकी करूंगी। मैं सिर्फ जा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ शांत हूँ। आज फोन पे बात कर रही हूँ, कल सामने बात करूंगी। याद रखना मिस्टर जन्मेजय सिंह मगेल, 4 लोगों के सामने, फिर वो 4 लोगों से आप गले लग के रो लेना। जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, जिंदगी भर के लिए उनके माथे में कलंक लगा दूं किस बात की औलाद है। देख लेना ये मैं करके रहूंगी, शादी बस हो जाए एक बार आपकी। ना मेरा बाप मुझे रोक पाएगा, ना मेरी माँ मुझे रोक पाएगी, ना ज्योति सिंह रोक पाएंगे, ना कोई खानदान की। अगर आपके खानदान के साथ खेलूंगी तो अपने खानदान को तैयार करके आऊंगी कि हर चीज के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। और मेरे खानदान में किसी को अस्थमा नहीं कि मर जाएगा, और मर भी जाएगा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, शमशान में जाके जला भी दूंगी। पर आपको बर्बाद तो करके रहूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अभी फिलहाल एंजॉय करिए, अभी इतना एंजॉय कर लीजिए कि आगे अगर एंजॉय करने का टाइम ना मिले ना आपको, तो मुझे ये मत कहना 15 दिन का टाइम दे दो, मैं थोड़ा हनीमून बना के आ जाऊं अपना। क्योंकि अभी शादी के बाद तो हनीमून में भी जाना है आपको। आराम से जाना, ठीक है? हाय हेलो तो हो गया होगा, खाना खाया है कि नहीं खाया ये भी पूछ लेना उससे, और बता देना कि आपके लक्षण कैसे हैं, ताकि जब मैं उसे बताना है तो उसको ये ना पता हो कि अरे यार शिट मुझे पता नहीं। और बोलना ज्यादा चौड़े ना मुझसे, बीवी बन जाएगी तो मेरे सर पे ना आए। अच्छे अच्छे बीवियों को उनके औकात दिखा दिए मैंने। तो उसको समझा के रखना, अगर मेरी कभी आपसे मुलाकात हो ना तो बीच में टांग ना अड़ेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं खराब हुई है, मेरी खराब हुई है। तो मेरा तो हक बनता है कि जन्मेजय सिंह को किसी भी तरह कहीं पर भी पाके कुछ भी बोलने का। याद रखिएगा मेरी बातों को, और दोबारा कोशिश मत करिएगा ये बोलने के लिए मैं सुसाइड करने जा रहा था। ये ट्रिप वेप लगा के नाटक मत बताइएगा, मर भी जाएंगे ना आपको, तो कोई ना इस दुनिया में खुश होगा या ना होगा मुझे नहीं पता, मैं बड़ी खुश होंगी। तो अगर मेरी खुशी आपको इतनी मैटर करती है तो मर जाना, फिर मरना नहीं तो ऐसी हालत कर ही लेना खुद की कि मुझे खुशी हो। बड़ा प्यार किया था ना, अपने झंडे गाड़े थे प्यार के, सोलमेट हो, तुम्हें घबराहट होती है, तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हें ये हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत बहुत पंचायत पहला था ना अपनी मेरे साथ। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं आपसे। अभी तो अब जाओ बेटा, ऐश कर जितनी ऐश करते पहले। तुझे रुला ना लिया ना मैंने खून के आंसू, तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं। तो मेरा बाप कितना भी कायर निकल गया तो मैं क्या करूं, हूं तो उसी बाप की औलाद ना, तो सब निपट लूंगी मैं आने वाले वक्त पे। आज वक्त तेरा है तो एंजॉय कर, कभी ना कभी वक्त तो मेरा भी आएगा। सबसे पहले, सबसे पहले हिटलर का तेल डालूंगी मैं अपना, सबसे पहले। फिर अपनी मम्मी को बोल देना स्ट्रांग रहे, फालतू का ड्रामा अगर पेलेंगे ना बहुत दिक्कत आ जाएगी उनको। हॉस्पिटल में एडमिट करके आऊंगी फिर आपसे लड़ने, उसका भी खर्चा मैं उठा लूंगी।
तुम्हारे इतने शौक पूरे कर दिए तो वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी कर दूंगी मैं। बहुतों को किया तो एक सही और सही। आज सुन रहे हो क्योंकि गलत हो, कल सुनोगे नहीं, कल आप भी वैसे ही जवाब देंगे और उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और जो प्रूफ रखे है ना डैमेड बुलशिट दिस इज ट्रैप, तेरे को तेरी ट्रैप का मतलब बताऊंगी मैं। ट्रैप किसे कहते हैं? बहुत तूने आज की कर ली ना, अब रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना, क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर शीट भी तो आनी चाहिए। ये बंदा बहुत सही है, अपनी जिंदगी सेट करो, इसने यही सिखाया है। तुम्हें जो खुशी मिले वो तुम करो, भाड़ में जाए दुनिया है, घंटा फर्क नहीं पड़ती दुनिया को किसी की खुशी से। अब मैं वही काम करूंगी। अगर तुम मुझसे बहुत कुछ सीखो तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। इंतजार करना, वो वक्त तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए लेकिन आएगा जरूर, ये भी मैं बता दूं। तुम्हें बर्बाद करने के लिए ना मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करनी पड़ गई जो तुम्हें बर्बाद करने मेरी मदद कर देगा, मैं वो कर लूंगी। और मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना रहेगा। टारगेट अपने सामने पेपर में लिख के रखा है मैंने, ओनली डिस्ट्रॉय जन्मेजय सिंह, और ऐसे इतना बड़ा गोला लगा के रखा है। कल तक तुम्हारी फोटो खींच के रखती थी बैग में, अब तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट तैयार करूंगी मैं। और मरोगे बेटा तुम, बहुत प्यार से मरोगे, घुटन पे मरोगे, जिल्लत में मरोगे, सुसाइड करोगे, कूद के मरोगे, पर मरोगे तो ऐसे ही मरोगे, कोई नेचुरल डेथ नहीं आने वाली तुम्हें। ये तुम लिख लो जहां तुमको लिखना है, यही, और ऐसे ही मरोगे। देख लेना, पूरे घर तुम्हारा भी देखेगा, मैं भी देखूंगी। 10 साल छोटी है तो 10 साल बाद ही मरूंगी तुम्हारे साथ, तुझे मरता हुआ देख के मरूंगी मैं, ये भी याद रखना। और तुझे आज से निकल मेरी जिंदगी से, अभी इसी वक्त, आज के बाद से। तुझे अगर मैंने कॉल भी कर लिया ना तो मेरी बुरी किस्मत, तरफ देख भी लिया ना तो सीरियसली मेरी बुरी किस्मत। तुझ जैसों को तो वही लोग मुंह उठा के देख सकते हैं जिनमें हिम्मत होगी तुझ जैसों को फेस करने की, वो तुम उनके लायक भी नहीं हो। और जिस लड़की को पता नहीं तुम क्या हो वही तुमको प्यार करेगी। कल पोस्टर अगर छपाना पड़ जाएगा ना तुम्हारी शक्ल के साथ, वो भी मैं करूंगी। देख लेना पेपर में, यार तुम्हारे नाम का ना लिखा दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी अनामिका सिंह नहीं। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं हर वो सीढ़ी चढ़ूंगी, हर पेपर में अगर तुम्हें फोटो देकर छापने पड़े 1000 फोटो तुम्हारी मेरी, एक से एक सुंदर भी होगी एक से घटिया भी होगी, सब छापूंगी मैं। तुमने अभी देखा नहीं ना, डायरेक्टली खेलना अलग होता है ना, आके बात करके जाओ। अब इनडायरेक्टली बताती हूँ गेम कैसे खेला जाता है, ना तुम्हारा खानदान पता कर पाएगा कि कौन तुमको बदनाम करा, ना तुम किसी से बोल पाओगे कि वो अनामिका सिंह है। जो मन में आएगा वो करूंगी, पर तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर वो चीज करूंगी, कसम खाती हूँ मैं। तुम कभी जिंदगी में खुश ना रहो ये दुआ करूंगी हमेशा मैं, ना अपनी बीवी के साथ ना अपने परिवार के साथ। यू ओनली डिजर्व द हेट, यू ओनली डिजर्व द मोस्ट वाहियात लाइफ, इतनी वाहियात की थक के हार के मर जाओ, और उस दिन शायद मुझे खुशी होगी, और यही होगा देख लेना।